प्रधानमंत्री ने एम्स ऋषिकेश से किया 35 पीएससी ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन, जनसभा को किया संबोधित, कहा आज के दिन मेरा यहां आना सौभाग्य की बात। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 4 ध्यान गुफाएं बनकर तैयार, सभी सुविधाओं से लैस ये गुफाएं श्रद्धालुओं में देखने को मिली खुशी। चारा घोटाला मामले में उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई, समाज सेवी ने दायर की थी याचिका, पशुपालन विभाग पर लगाया 15 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण से रुद्रप्रयाग के गांव में मकानों और आंगन में पड़ रही दरारें, दरारें पड़ने से ग्रामीणों में भय, जिलाधिकारी भूप घर के टीम के साथ करेंगे जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देने के लिए पीएम मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे, जहां एम्स ऋषिकेश से पीएम मोदी ने 35 पीएसए प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज से नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहाँ होना, यहाँ आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा ध्यान भाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि 20 साल की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर ऐसी धरती पर आना, जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह अपनत्व दिया है, वहां आना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप भी सुनिए। ये देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है, योग नगरी के रूप में ये विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है। मां गंगा के समीप हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहां होना, यहां आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। और मैं आज जो उत्तराखंड आया हूं, तो एक विशेष रूप से भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये देवभूमि ने भी अपना झंडा गाड़ दिया है और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। उत्तराखंड की दिव्य धरा ने मुझ जैसे अनेक लोगों के जीवन की धारा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह भूमि इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है, सत्व का भी है, तत्व का भी है। साथियों, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया, आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी।
वैसे ये भी एक संयोग है कि उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ और मेरी यात्रा इसके कुछ ही महीनों बाद साल 2001 में शुरू हुई। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। हिमालय की ये तपोभूमि जो तप और त्याग का मार्ग दिखाती है, उस भूमि पर आकर कोटि कोटि देशवासियों की सेवा का मेरा संकल्प और दृढ़ हुआ है और मजबूत हुआ है। यहां आकर एक नई ऊर्जा मुझे मिलती है। भाइयों और बहनों, योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम सबसे ज्यादा पूर्वी भारत में होता है, लेकिन मुश्किल ये कि जरूरत सबसे अधिक उत्तर और पश्चिम भारत में पड़ी। भाइयों और बहनों, लॉजिस्टिक्स की इतनी चुनौतियों से जूझते हुए देश ने युद्ध स्तर पर काम किया। देश और दुनिया में दिन रात जहां से भी संभव हो वहां से ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन टैंकर अरेंज किए गए, स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई, खाली टैंकरों को तेजी से पहुंचाने के लिए वायु सेना के विमान लगाए गए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के माध्यम से तेजस फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी को लगाया गया, पीएम केयर से देश में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम तो तेज हुआ ही, 1 लाख से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए पैसा भी दिया गया। साथियों, भविष्य में कोरोना से लड़ाई के लिए हमारी तैयारी और पुख्ता हो, इसके लिए देश भर में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते कुछ महीनों में पीएम केयर द्वारा स्वीकृत 1150 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स काम करना शुरू कर चुके हैं।
मंगलवार को हाईकोर्ट के द्वारा चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त करने के बाद धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज सुबह से ही धाम में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की कतारें देखने को मिल रही हैं। इन कतारों में श्रद्धालु हरि नाम का जाप करते हुए दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। बता दें कि आज सुबह करीब 6 बजे तक 300 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और अब तक करीब ये संख्या हजारों के पार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं बनकर तैयार हो गई हैं, जबकि 1 गुफा का सौंदर्यकरण किया गया है। 4 गुफाओं को तैयार होने से भक्त आसानी से यहां आकर योग और ध्यान कर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। इन गुफाओं में पानी और बिजली समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 के अक्टूबर महीने में पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास के दौरान ही ध्यान के लिए केदार की पहाड़ियों पर ध्यान गुफा बनाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद इन गुफाओं का निर्माण किया गया। ये गुफाएं पौराणिक काल में तैयार की गई हैं। गुफाओं को सुविधाओं से लैस करते हुए इन्हें आधुनिक भी बनाया गया है, यानी कि पौराणिक कला के हिसाब से है, पौराणिक काल के हिसाब से है, लेकिन आधुनिक भी है। ये सभी गुफाएं 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां लगभग 18 घंटे तक साधना की थी। कि वो गुफा का है तो उन्होंने बोला यही है, तो अभी दोनों गुफाओं पे जाके आया। मोदी जी तो 2019 में आए थे शायद गुफा में, तो बहुत ही अच्छी जगह है। केदारनाथ जी का सामने दर्शन है, सब सुमेरु पर्वत सामने है, और ऐसे ऐसे वातावरण में अगर मेडिटेशन करना है तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं। बहुत ही अच्छी पहल की है मोदी जी ने कि गुफाओं में अगर आपको ये करना है तो रहने का भी प्रबंध है, और अभी तो कोविड की वजह से ज़्यादा ये नहीं रहेगा, बुकिंग के हिसाब से आते होंगे। फिर भी अभी 7 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि रुक जाऊँ। और इधर का अनुभव बड़ा ही अच्छा है, सब लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है, और हमारे महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग आए हैं। मतलब लगभग 50% जो लोग हैं यहाँ वो महाराष्ट्र से ये मुझे आते आते मिले, बहुत सारे लोग मिले हैं। बहुत अच्छा दर्शन हुआ केदारनाथ जी का, और सुबह सुबह इधर आके अभी मैं वापस निकल रहा हूँ। लगभग इसमें 3 गुफाएं जो है कार्यदायी संस्था के द्वारा उनको बना के जीएमएम को हस्तगत कर दी गई है। इसका जो भी बुकिंग्स वगैरह है वो सब जीएमएम के माध्यम से ही संचालित किया जाता है। क्योंकि यात्रा अभी चालू ही हुई है तो इसकी डिटेल सूचना कुछ समय में प्राप्त हो पाएगी, कितने लोग जो है गुफाओं के लिए ध्यान मनन चिंतन के लिए जा रहे हैं। नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पशुपालन विभाग में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के चारा घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव से 4 महीने में जांच पूरी करने को कहा, और अगर कोई खामी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा के खंडपीठ में हुई। मामले में समाज सेवी गौरी मौलेखी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पशुपालन विभाग में चारा घोटाला हुआ है। याचिका में पशुपालन विभाग पर उत्तराखंड से 2,050 रुपए क्विंटल चारा खरीदने के बजाय पंजाब से 3,200 रुपए प्रति क्विंटल चारा खरीदने का भी आरोप लगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पशुपालन विभाग ने 14 करोड़ रुपए की लागत से 10 साल से ऊपर की भेड़ ऑस्ट्रेलिया से खरीदी थी, जो किसी भी काम में उपयोग नहीं हो सकी। इसके अलावा विभाग पर कई लग्जरी गाड़ियां खरीदने का भी आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने पशुपालन विभाग में चल रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच और घोटालेबाजों पर कार्रवाई की मांग भी की है। लक्सर में उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने कोतवाली लक्सर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी के दस्तावेजों का रखरखाव, कोतवाली परिसर में साफ सफाई, कर्मचारियों के कामकाज करने का तरीका और कोतवाली में पहुंचने वाले लोगों के साथ पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार, तमाम चीजों की जानकारी ली। उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि कोतवाली में मालखाना और बंदी गृह में मरम्मत की जरूरत है, जिसे तत्काल कराए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि साथ ही लक्सर क्षेत्र में चल रहे ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ भी एमवी एक्ट की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मालखाने, बंदी गृह,
इत्यादि का निरीक्षण किया गया। इसमें कुछ कमियां पाई गई, जैसे जो मालखाने और जो हमारा बंदीगृह है उसमें थोड़ा सा मरम्मत कार्य होने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ जो वाद है, कुछ केस हैं, उसमें वेचना काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो उसमें यही निर्देश दिए गए कि उसको तत्काल उसमें वेचना की कार्रवाई को त्वरित रूप से निस्तारित करें। इसके अलावा कुछ मालों का निस्तारण में भी तेजी लाने की आवश्यकता है। और उसमें कुछ जैसे यहाँ पर क्षेत्र में काफ़ी ओवरलोडेड गाड़ियाँ चल रही हैं, तो MBH के तहत अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसमें जैसे यहाँ पर काफ़ी जो किराए पर रहते हैं लोग या संबंधित विभागों के अंदर जो कार्मिक मजदूर हैं, उनका भी सत्यापन करने के अभियान चलाकर निर्देश दिए गए। आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और नैनीताल में आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। इसी क्रम में नैना देवी मंदिर में भी सुबह से ही मां नैना देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे माता रानी का दरबार जयकारों से गूंज रहा है। बता दें कि इस दौरान कोविड नियमों का भी पालन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नैनीताल के, जहाँ पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन के विरोध में आज डोईवाला में किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले स्थानीय किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गन्ना समिति डोईवाला से डोईवाला चौक तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर और काली पट्टियां बांधकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगाए। साथ ही काले गुब्बारे हवा में उड़ाकर अपना विरोध भी दर्ज कराया। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र खालसा ने कहा कि सैकड़ों किसान की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री ने आज तक किसानों के प्रति संवेदना में दो शब्द नहीं कहे, जिसकी किसान निंदा करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके लिए संवेदना के लिए दो शब्द नहीं है। अच्छा होता वो लखीमपुर जाते, उन किसान भाई बहनों से मिलते जिनके परिजन शहीद हो गए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उनको कोई संवेदना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। जो कि किसान अन्नदाता है भारतवर्ष का, उनके हमेशा अहितों की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है और आज उसी फलस्वरूप लखीमपुर खीरी ना जाकर उत्तराखंड का दौरा उनको अच्छा लग रहा है। लखनऊ जाके वो प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे हैं जहाँ शहीद किसान भाई बहन जो शहीद हो गए हैं, वहाँ उनके लिए कोई संवेदना नहीं है, कोई दो शब्द नहीं है। जो लखीमपुर की घटना हुई उसके बाद इनको लगा कि किसान यहाँ भी हम लोगों को काला झंडा दिखाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी किसानों से डर गए। प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम चेंज किया, जिससे वो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से सीधा एम जाने का कार्यक्रम किया, मगर फिर भी हमारे किसान साथी, हम सब संयुक्त किसान मोर्चा के साथी, हम लोग सड़क पर गए, हमने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया, नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगाए और काले गुब्बारे हवा में उड़ाए। कि हमें पूरा यकीन है कि अपने हेलीकॉप्टर से हमारे गुब्बारे तो उन्होंने देख ही लिए होंगे। जो विरोध है उत्तराखंड में, पूरे देश में विरोध है, वो तो वहाँ तक पहुँच ही गया होगा। 10 महीने से पूरे भारत का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है अपनी 3 मांगों को लेकर के, जो एक सरकार का कर्तव्य बनता है, सरकार के नुमाइंदों का कर्तव्य बनता है, जो हमारे प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है। प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य से मुकरते हुए कभी तो विदेशों की सैर पर चले जाते हैं, कभी अन्य राज्यों की सैर पर चले जाते हैं। ऐसे ही आज उत्तराखंड की ठंडी वादियों में हवा खाने प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, लेकिन यहाँ किसान बैठा है विरोध करने के लिए। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान ऐसे ही विरोध करता रहेगा। और इससे बड़ी जो निंदनीय घटना है, हमारे सैकड़ों किसान शहीद हो गए, अभी हाल प्रेजेंट में लखीमपुर की घटना है, एक भी शब्द मोदी जी की जुबान से उन किसान शहीदों के लिए नहीं निकला और ये सैल सपाटे कर रहे हैं, उसका विरोध भारत का किसान जगह जगह ऐसे ही करेगा जहाँ भी ये जाएंगे। और यही नहीं, सेंटर का और भी कोई मंत्री आएगा उसका भी ऐसे ही विरोध होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण से रुद्रप्रयाग के ग्राम पंचायत मरोड़ा में मकानों और आंगन में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, जिससे यहां के ग्रामीणों में भविष्य में खतरा होने का भय बना हुआ है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन और रेलवे बोर्ड से क्षेत्र का मौका मुआयना करने की मांग की। बता दें कि जिले में पिछले लंबे समय से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके तहत अधिकांश स्थानों पर सुरंगों का निर्माण हो रहा है। वहीं इन दिनों सुमेरपुर से गौचर के लिए रेल परियोजना का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है, जिसके चलते गांव के नीचे से सुरंग बनाई जा रही है। वहीं मरोड़ा गांव में सुरंग निर्माण होने से आवासीय भवनों में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों में खासा रोष बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि दरारें आने से भविष्य में कोई दुर्घटना घट सकती है और उन्हें जान माल का नुकसान भी हो सकता है। मामले में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी को भू भर्गीय टीम के साथ
जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं और रिपोर्ट आ जाने के बाद उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो रुद्रप्रयाग में रेल लाइन निर्माण से गांव खतरे में है। गांव वालों का आरोप है कि नीचे सुरंग बनाई जा रही है जिसकी वजह से उनके मकानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है, उनके आंगनों को काफी नुकसान पहुंच रहा है और आने वाले समय में एक भारी खतरा भी यहां हो सकता है। हम लोग यहां पर बहुत परेशान हैं, गांव वाले सबके घरों में दरारें आ चुकी है। ये रेलवे का काम चल रहा है इसलिए हम बहुत परेशान हैं, मतलब सबके घरों में दरारें आ रखी है। हम चाहते हैं हमें मतलब कहीं विस्थापित किया जाए, हमारे घर का मतलब पूरा मिलना चाहिए हमें, जितना भी हमारी ज़मीन का अलग मिलना चाहिए, हमें घर का अलग मिलना चाहिए, हमारे रोज़गार का मिलना चाहिए और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। गांव में जो दरारें पड़ रही हैं ये तो जो रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है इसी के कारण पड़ रही हैं, अगर दूसरा कोई कारण होता तो इससे पहले मकान टूट गिर जाती नीचे। इसलिए हमारा मानना है कि जो रेलवे द्वारा अभी तो सुरंग का काम शुरू नहीं किया गया, जब सुरंग का काम शुरू होगा अंदर ब्लास्टिंग वगैरह मशीनों से जो वाइब्रेशन होगा उससे तो मकान नीचे गिर जाएंगी, ज़मीन पर आ जाएंगी और जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, जिसमें कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, मवेशी कोई भी हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार से, प्रशासन से ये मांग है कि किसी दुर्घटना होने से पहले इस गांव को विस्थापन किया जाए और वो भी इस क्षेत्र में किया जाए जहां से हमारा रोज़गार भी जुड़ा रहे और हमारी बची हुई खेतीबाड़ी भी होती रहे, इस हिसाब से हमारा विस्थापन किया जाए और अन्यथा जो है भारी नुकसान होने की संभावना है। देखिए, आज उत्तराखंड क्रांति दल की टीम ने रेलवे निर्माण से प्रभावित हुए गोलतिर के मरोड़ा गाँव का जायजा लिया। यहाँ पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते कई घरों में दरारें पड़ गई हैं, एक स्कूल भी है यहाँ पे, प्राथमिक विद्यालय, उस पर भी दरारें पड़ी हुई हैं। पूरे गांव को रेलवे निर्माण कार्य के चलते खतरा उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनका आरोप यह है कि लगातार यहाँ पर विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है जिससे पूरे गाँव में कंपन हो रही है और कभी भी गाँव खतरे की जद में आ सकता है। अभी यह स्थिति तब है जब सुरंग का निर्माण कार्य अभी यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है। जब सुरंग का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाएगा उसके बाद गांव और भी खतरे की जद में आ सकता है। तो और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।